So today we will start exercise 1.1. Okay. Use Euclid division algorithm to find the SCF of. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, Euclid division algorithm का यूज करके SCF find करना है. So now let's start first question. What is first question? 135 and 225. तो इसे हमें Euclid division algorithm से सॉल्व करना है. तो what is Euclid division algorithm? By Euclid's division एल्गोरिदम. हमें पता है ना क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा ए कौन है और बी कौन है. तो जो बड़ा होगा वो ए हो जाएगा और जो छोटा नंबर होगा वो बी हो जाएगा. तो 135 एंड 225 में विच इज ग्रेटर, 225 इज ग्रेटर. सो 225 क्या है हमारा, ए हो जाएगा. तो ए इक्वल्स टू 225 एंड बी इक्वल्स टू 135. अब हम क्या करेंगे, 225 को डिवाइड कर देंगे किससे, 135 से. ये हम साइड में कर लेंगे. ठीक है, तो 135 से हम 225 को डिवाइड करेंगे. हाउ मेनी टाइम्स ये जाएगा, वन टाइम्स जाएगा. 135 1 5 -5 0, 12 में से 3 गया 9. ये डिवाइड तो आप कर लोगे, फिर भी मैं बता देती हूँ. 135 ये कितने टाइम जाएगा, वन बार में जाएगा, इट विल बी 90. अब देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए मैं बताना भूल गई. यहाँ पे ये जो है ना, जो रिमाइंडर बचेगा 90, ये क्या हो जाएगा, ये आपके यहाँ डिवाइजर बन जाएगा और डिविडेंड 135 बन जाएगा. ठीक है, तो ये वन बार में जाएगा 45, फिर ये 45 यहाँ पे आपका डिवाइजर बन जाएगा और ये जो 90 है जस्ट ऊपर वाला डिवाइजर, ये डिविडेंड बन जाएगा. कितने बार टाइम्स में जाएगा, टू टाइम्स में. 45 2 जा 90. और सो 45 यहाँ पे जो हमारा, तब तक हमें इस डिवीजन को करना है. एल्गोरिथम मतलब क्या होता है कि उस प्रोसेस को तब तक रिपीट करे जब तक कि जीरो ना आ जाए. तो यहाँ पे 45 हमारा आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, हमारा जीरो आ गया. ठीक है, तो ये 45 आंसर हो जाएगा. लेकिन ये तो हमने निकाला कि कैसे हम डिवाइड करेंगे, बट हमें इस फॉर्म में लिखना है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में. तो ए क्या है, 225 इक्वल्स टू बी 135 है, 135 इंटू क्यू क्या है, जो कोशेंट होगा 1 प्लस रिमाइंडर इस केस में क्या था, 90. ठीक, फिर सेकेंड केस में हमारा ए क्या हो जाएगा, ए जो हमारा होता है डिविडेंड ही तो होता है, तो 135 ए हो जाएगा. 135 इक्वल्स टू बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइजर है ये बी हो जाएगा, 90 इंटू कोशेंट यहाँ पे भी 1 है, तो 1 प्लस रिमाइंडर 45. अगेन यहाँ पे फिर क्या आया है हमारा, डिविडेंड क्या है, 90. डिविडेंड ही जो होता है वो ए होता है, 90 इक्वल्स टू 45, ये बी हो जाएगा, इंटू क्यू 2 प्लस आर, जीरो आ गया. रिमाइंडर जैसे ही जीरो आएगा हम छोड़ देंगे. ठीक है, इसके बाद कोई स्टेप नहीं करना होगा. और जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ये 45 आंसर होगा. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 45. देयरफॉर एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इक्वल्स टू 45. एक बार मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, और यहाँ पे आर जो होना चाहिए बी से छोटा होना चाहिए, लेकिन जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा होना चाहिए. ठीक, अब हम पहले ये फाइंड करेंगे कि ए क्या होगा और बी क्या होगा. तो जो नंबर ग्रेटर होगा, जैसे कि ये दोनों नंबर में 225 ग्रेटर है, तो ये हमारा ए हो गया और बी स्मॉलर नंबर हो गया. ठीक, अब हम इसको रफ में डिवाइड करेंगे, तो बड़ा वाला नंबर हमारा डिविडेंड बनेगा और छोटा वाला नंबर हमारा डिवाइजर हो जाएगा. तो डिवाइजर से हम डिवाइड करेंगे डिविडेंड को. ठीक, वन टाइम्स गया, रिमाइंडर 90 बचा. अब ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस जो आर होता है, तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये जो होगा हमारा बी बनेगा. ये हमारे केस में ए और ये जो होता है बी बनेगा. ठीक है, और ये हमारा क्यू है और ये हमारा आर है. तो इसको ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हमें लिखना है. ए इक्वल्स टू 225, बी इक्वल्स टू 135 इंटू क्यू 1, ये क्यू है, ये मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिखा है. ठीक है, प्लस रिमाइंडर हमारा 90 आ गया. फिर जो रिमाइंडर होगा वो हमारा डिवाइजर बनेगा और ये जो है
डिवाइजर वो डिविडेंड बन जाएगा, जस्ट ऊपर वाला डिवाइजर डिविडेंड बनेगा। तो ये ए हो जाएगा फिर इस केस में, ए इक्वल्स टू बी हमारा ये 90 हो जाएगा। अब ये बी होगा, अब ये आर नहीं रहेगा सेकेंड स्टेप में, ये हमारा बी हो जाएगा 90 इंटू वन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज 45। अगेन अब ये हमारा होगा डिवाइजर बनेगा, जस्ट ऊपर वाला जो डिवाइजर होगा वो डिविडेंड बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारा ए हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू बी दिस एंड बी क्यू प्लस आर। अब रिमाइंडर हमारा क्या आया, जीरो आ गया। ठीक है, अब जैसे रिमाइंडर जीरो होगा फिर हम यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा जीरो हुआ, इसको भी ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख देंगे और हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। देयरफॉर एससीएफ क्या हो गया, 45 हो गया। समझ में आया बच्चों? नाउ लेट्स मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें पता है ये नंबर ग्रेटर है इससे, तो ए जो होगा हमारा ये हो जाएगा और बी ये नंबर हो जाएगा। अब हम डिवाइड करेंगे, डिविजन करेंगे जैसे हम करते हैं। ये वन टाइम्स में जाएगा, कितना आ जाएगा 196। ओके, 12 माइनस 6 17 माइनस 8 8 और ये 2 माइनस 1 1। ये नंबर छोटा है इससे, फिर हम ऊपर से 2 लेंगे, कितने टाइम्स में जाएगा ये आपका जाएगा 9 टाइम्स में। आप चेक कर लेना, ठीक है, 9 टाइम्स में ये आ जाएगा 1764। नाउ 12 माइनस 4 8 15 माइनस 6 9 7 माइनस 7 0 1 माइनस 1 0। ओके, नाउ ऊपर से 0 लेंगे 196, ये 980 हो गया। ये 196 से कितने टाइम्स जाएगा, तो 5 से चला जाएगा। 5 6 जा 33, 5 9 जा 45, 3 48, कैरी 4, 5 1 जा 4 9। ओके, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, वी नो डैट बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी। तो वॉट इज ए हियर, 38220, बी 196 इंटू क्यू 195। रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया है, सो हमें नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वॉट विल बी आवर आंसर, 196। देयर फोर एस सी एफ इक्वल्स टू 196। और इसमें इस एक्सरसाइज में इसी का एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप अपने आप से करो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सो सेकेंड क्वेश्चन, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट A B any positive integer. Let A B any positive integer. And यहाँ पे B की value 6 दी है ना, so हम ले लेंगे and B equals 6. ठीक है, तो हमारा क्या होता है, A equals to Euclid's division algorithm B Q plus R. और यहाँ पे ये भी हमें पता है, where R should be greater than or equal to 0 but less than B. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A equals to B की जगह हम 6 put कर देंगे, 6Q plus R, where R should be greater than or equal to 0 but less than B. और B की value क्या है, 6 है। तो possible remainders क्या क्या हो सकते हैं, possible R जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है but 6 से कम हो सकता है। तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पॉसिबल रिमाइंडर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, जीरो होगा, जीरो से ग्रेटर लेना है, सिक्स से फाइव लेस लेना है, 1 2 3 4 5। क्या हम 6 लेंगे, नहीं, क्योंकि 6 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सारे रिमाइंडर्स को, ये जो इक्वेशन है ना,
इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सो बाय पुटिंग पॉसिबल रिमाइंडर्स, इंटीजर्स को फाइंड करना था, तो ये 6q क्या है, इवन है, 6q प्लस 1 ऑड, 2 इवन, 6q प्लस 3 ये ऑड है, 6q प्लस 4 इवन है, एंड 6q प्लस 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स आर, ऑड वाला कौन सा है, ये दिस एंड दिस, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये हमारा जो है और पॉजिटिव इंटीजर, यही हमें शो करना था, ठीक है।